सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज मैम, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। हमने बहुत से फनी क्लिप्स में देखे हैं, इमरान खान एक दफा ड्रेस कर रहे थे तो किसी ने जूता मारा, किसी को अंडे पड़े, और बहुत सी मतलब ऐसी हरकत पब्लिक में ना होती रहती है जो कि बाद में बहुत फनी लगती हैं। और इमरान खान तो बच गए थे, जूता जब उनको पड़ने वाला था वो एकदम से मूव हुए तो वो साथ वाले पे लग गया। लेकिन जैसे आपने कहा कि मोदी जी, उनकी भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन जब मोदी जी बाहर निकलते हैं, लोगों के साथ हैंडशेक करते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा सियासी पार्टीज ने जन्म लिया, लेकिन आज तक इंडियंस ने ऐसी हरकत नहीं की। तो इसका क्या लगता है कि उनका जो मोराल है वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है और हमारा बहुत डाउन होगा, क्योंकि हम देखते नहीं है कि कौन कहाँ पे खड़ा है, किसकी क्या पोजिशन है, बस अपने मन की भड़ास हम निकाल लेते हैं। आई थिंक क्योंकि मोदी जो है ही इज लाइक्ड ऑल ओवर इंडिया, राइट? ऐसे ही तो नहीं ना कि वो जीतते आ रहे हैं, राइट? अब यहाँ पर भी आपने वो वाला क्लिप नहीं देखा था जहाँ बुश के ऊपर जूता मारा था, उसने भी डक कर अभी दिया। बुश को भी जूता पड़ा था। अच्छा, मैंने सुना था कि बुश को ही पड़ा था, और मैंने सुना था कि जरदारी के ऊपर भी किसी ने जूता मारा था, बस वो क्लिप नहीं सबको, दिखी कभी। हाँ, तो जरदारी को वो भी पड़ा है, नवाज शरीफ को भी पड़ा है, इमरान खान को भी पड़ा है, इनको अंडे भी पड़े, टमाटर भी पड़े, पब्लिक इनको जैसे देखती है इन पे बरस पड़ती है। इस वजह से जब भी कहीं निकलती है तो सारी रोड बंद करते हैं। जब आप अपनी आवाम को खुश नहीं रखोगे, राइट? अब जैसे ट्रूडो यहाँ निकलता है, अब ट्रूडो से लोग बहुत तंग आए हुए यहाँ जी पर, बहुत हम लोग तंग। सब तंग आए हुए, राइट? इज लाइक दी मोस्ट लिबरल, जिसे कह सकते हो ना, लिबरल्स को भी पीछे छोड़ दिया उसने। सो उसके वहां पे भी मीटिंग्स हॉल्स में लोग घुस जाते हैं, टमाटर वगैरह नहीं करते मगर उसको हैकल करते हैं, उस खड़े हो जाते हैं कि तुम ये कर, तो उनको एस्कॉर्ट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है फॉरन। बट आई थिंक कि पर्सनली मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, और ज्यादातर वही लोग आते हैं वहां पर जो उनको पसंद करते हैं, राइट? मेजोरिटी ऑफ द पीपल लाइक हिम, क्योंकि अगर आप देख लें तो ही हैज डन अ लॉट फॉर द कंट्री। ऐसी अभी जो है इंडिया जो है फिफ्थ इकोनॉमी में जो है दुनिया भर में आगे नहीं निकल के आ गया, यू नो, देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग देयर, देयर हैज बीन सो मेनी चेंजेस सिंस ही हैज कम। तो लोग भी वो देख रहे हैं ना, आंखें तो बंद नहीं कर रहे। जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो अलग चल रहा है, बट आई डोंट थिंक, कोई मैं बोलूंगी ना कि आई डोंट थिंक इंडियन अवाम इस लेवल पे अभी आई है। शायद अगर कोई ऐसा बंदा हो तो जो गुस्सा दिला रहा हो, द ओनली टाइम आपके ऊपर जूते और टमाटर ये सब बरसेंगे जब आप अपनी अवाम को खुश नहीं रखोगे, राइट? नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप 100% लोगों को खुश नहीं रख सकते हो, मगर यू कैन सी कि मेजोरिटी ऑफ पीपल सपोर्ट मोदी इन व्हाटएवर ही इज डूइंग, हिज पॉलिसीज, यू नो, जिस तरीके से उन्होंने ये हैंडल किया है अभी यूक्रेन और रशिया, इनका पाकिस्तान को तो देखे ना, वो एक तरफ उनकी भी मदद कर रहा है, दूसरी तरफ उनकी भी मदद कर रहा है। सो आई थिंक दैट इज द मेन डिफरेंस कि वहां पर अभी ये चीज आपको होते हुए नहीं दिखी है। सही कह रहे हैं आप। और अभी जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में बंदे के मुंह पे एक ही लफ्ज है, इलेक्शन करा दो, पाकिस्तान को बचाना है, इलेक्शन करा दो। और हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो कोई डेट नहीं दे रही, जिसकी वजह से मुल्क हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। इमरान खान जैसे कल निकले हैं, बहुत पूरा पाकिस्तान, मैं कहूंगी कि उनके देख रहा था, उनका खिताब चैनल्स पे देख रहा था, बहुत ज्यादा लोग लाहौर में भी आए उनको सुनने के लिए। कहा ये जा रहे हैं नेक्स्ट, जब ये जो होने वाले हैं इलेक्शन, उसमें इमरान खान ही वजीर आजम बनेंगे। पहले 3.5 साल रहे, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आए। इस साल अगर वो बार बार कह रहे हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए वो किस तरह साबित होंगे इस साल भी, या फिर उतना ही कर्जा लेके कहेंगे मैं नया पाकिस्तान बना रहा हूं? अब ये तो हमें नहीं पता ये क्या होगा। अगर इलेक्शन हुआ तो किसने कहा कि इलेक्शन फेयर होते हैं पाकिस्तान में? पहली बात तो ये इलेक्शन भी कौन एक से फेयर होते हैं, प्रॉब्लम तो वी डोंट नो कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हमको तो अब यही दिख रहा है ना कि पॉपुलैरिटी वाइज ही इज एवरीवन इज आफ्टर हिम, वो भी मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतने साल, 3 साल तो आप थे वहां पर, आपने क्या क्या उखाड़ लिया, यू नो? इफ एनीथिंग इट वेंट डाउन। उनके चंद स्टेटमेंट देने आई वाज सपोर्ट बिग सपोर्टर ऑफ इमरान खान, क्योंकि मैंने देखा कि भाई ये बंदा है जरा ओपन माइंडेड है, ये कुछ अच्छा करेगा। तो वो तो और ही मुझे तो, यानी वो शेव हुए मौलाना दिखते हैं मुझको, बस पेंट शर्ट में मौलाना घूम रहे हैं। स्पेशली जो उन्होंने औरतों के ऊपर बोला था कि भाई आप छोटे कपड़े पहन के निकलेंगी, तो आप यू नो व्हाट वाज दैट, तो मुझे वही चीज बार बार याद आती है, और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि एक बंदे पे जिसपे हमारी होप्स थी कि शायद ये पाकिस्तान को डार्क एजेस में से निकाल के ना आज की तारीख में ले आए, मगर नहीं, ये तो और ही पीछे मदीने की रियासत बनाने जा रहे थे। सो और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड।
क्योंकि लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि नहीं ये सारे खराब हैं, मैं ठीक हूँ, ये सारे खराब हैं, मैं ही बचा सकता हूँ। और हमारी आवाम, अब आप हमारी आवाम बस क्या बोले उनका, उनका भी कसूर नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने भी दूसरे पॉलिटिशियंस को कब तक झेला है, उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट इज द अदर ऑप्शन, कोई नया चीज, कोई नया चेहरा? इमरान खान वाज अ न्यू वन, राइट, जो भी पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो एवरीबॉडी वांटेड टू गिव हिम अ ट्राई। अब यू हैव गिवन हिम अ ट्राई, ही स्टिल डिडंट डू एनीथिंग, और वो देख क्या आपको, अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास? आप पाकिस्तानियों को बताएं, अवाम के पास ऑप्शन क्या है? आपके पास जरदारी की पार्टी होगी, पीपीपी है, आपके पास पीटीआई है, आपके पास ये इमरान खान की पार्टी है, या आपके पास जमात इस्लामी है, या तो बिल्कुल ही वो तहरीके लबैक है, किसको लाएंगे आप? हु डू यू वोट फॉर? अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं तो वोट ही नहीं देती, किसको देंगे आप? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।